तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे कि एक ब्लॉक है 8 kg रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और रफ सरफेस पे रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली देखो, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, दो पार्ट है इस सवाल के। केस फर्स्ट में रफ सरफेस पे रखा हुआ है और इट स्लाइड इट डाउनवर्ड मोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग द फोर्स एफ। देखो, डाउनवर्ड जाने की कोशिश कर रहा ना, अगर तुम देखोगे ब्लॉक पे तो ब्लॉक पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं भाई? ब्लॉक पे देखोगे तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ठीक है, पहले केस में। और यहाँ से देखोगे एम जी ऐसे लगती है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट ये थीटा है, तो एम जी कॉस थीटा ऐसे लग रहा है, और ये एम जी साइन थीटा है इधर लग रहा है, एम ठीक है। अब एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे ये ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है भाई, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, ब्लॉक तो नीचे जाना चाह ही रहा है, तो जो फ्रिक्शन है वो इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो अगर ये फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो ये कहता है कि इट्स डाउनवर्ड मोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग फोर्स एफ पुल अपवर्ड, ठीक है। 8 kg का ब्लॉक है, अगर ये नीचे जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, तो एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन मिलके इसको रोकेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे नीचे जाने नहीं देना, मतलब इधर की डायरेक्शन में मुझे मोशन को स्टॉप करना है, तो मैं अलग से एक फोर्स लगाता हूँ जिसे डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी ही इस पर ख़त्म हो जाए। तो अलग से मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा ऊपर की डायरेक्शन में, इधर से एक फोर्स लगा दूँ ऊपर की डायरेक्शन में एफ, जिसे जो डाउनवर्ड मोशन है वो ख़त्म हो जाए, ये नीचे जाने की कोशिश ना करे, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के अलावा एक और फोर्स लगा दोगे तो हो सक ये ब्लॉक की चांस ये बनती है कि वो वहीं पे रुक जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके इसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है। तो अगर पहले केस में इक्वेशन देखोगे तो फ्रिक्शन प्लस एफ एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ म्यू एन आ जाएगी, प्लस एफ यहाँ से और एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है? नॉर्मल है यहाँ एम जी कॉस थीटा के, तो नॉर्मल की वैल्यू रखोगे तो म्यू यहाँ से एम जी कॉस थीटा और प्लस यहाँ से एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये वाली चीज़। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू एम जी कॉस थीटा और माइनस एम जी साइन थीटा और यहाँ से अप्लाइड फोर्स एफ, ये वाली चीज़। तो यहाँ से जो एफ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इक्वेशन उल्टा लिख दिया, 1 मिनट बच्चों। इसमें ये वाली जो चीज़ है, ये एफ की जो वैल्यू होगी वो एफ की वैल्यू माइनस, यहाँ ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। थोड़ा और अच्छे से लिख लो, चलो यहाँ से लिख लो। तो एम जी यहाँ से कॉमन ले लो, और एम जी यहाँ से कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको फर्स्ट बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो केस टू, केस टू में देखते हैं कि क्या करें। केस टू में जो ब्लॉक है, जो दूसरा केस है, इसी ब्लॉक को ये नीचे जाना तो चाह रहा है, लेकिन अब मुझे ये क्या करना है कि सबसे पहले इस पे फोर्स देखोगे तो फोर्स इस पे एम जी साइन थीटा तो इधर लग ही रहा होगा और एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा होगा, ठीक है, और नॉर्मल ऊपर लग ही रहा होगा, ठीक है। और ये, लेकिन अब इस ब्लॉक को मुझे ये कहते हैं, पार्ट आगे पढ़ो, इट कैन बी मेड टू स्लाइड अपवर्ड बाई टू, और एफ लगाए थे तो डाउनवर्ड टेंडेंसी खत्म होगी। इस एफ की वैल्यू बढ़ाओगे तो ब्लॉक नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगेगा, बहुत ज़्यादा धक्का दे दोगे तो ऊपर नहीं चला जाएगा यार। तो अगर मैं एफ की वैल्यू 2 बढ़ा दूँ तो ब्लॉक ऊपर जस्ट जाने वाला होगा, समझना। तो अगर मैं ऊपर यहाँ 2F लगा दूँ, ये एफ की वैल्यू बढ़ा के यहाँ से 2F ऊपर की डायरेक्शन में धक्का दूँ, यहाँ से कोई आदमी इसको धक्का देता है, द मैन पुल द ब्लॉक कितने से, 2F से। तो ऑब्वियसली इधर अब ऊपर जाने वाला है, जस्ट जाने वाला है, तो फ्रिक्शन नीचे आएगा और लिमिटिंग लग रहा होगा। तो अब इसका इक्वेशन बनेगा, वो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ। तो
अब इसका क्या इक्वेशन बनेगा, तो 2f बैलेंस किया होगा किसको, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन को, ठीक ना। तो यहाँ से तुम देखोगे एम जी साइन थीटा और प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ म्यू यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू यहाँ से एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर यहाँ से मैं एम जी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से साइन थीटा प्लस यहाँ से म्यू कॉस थीटा के इक्वल होगा, दैट इज़ द 2f। तो अगर मैं यहाँ f अगर मैं यहाँ से f के वैल्यू निकालूँगा तो यह आ जाएगा एम जी बाई टू यहाँ से साइन थीटा प्लस म्यू यहाँ से कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या कैलकुलेट करना था, देखो हमें कैलकुलेट करना था म्यू की वैल्यू थीटा के टर्म में। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से इक्वेट कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वल कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा उसको मैं लिखता हूँ। इधर मिला मुझे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बराबर होगा इधर एम जी बाई टू यहाँ से साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक ना, ये वाली चीज़। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें म्यू की वैल्यू थीटा के टर्म में मिल जाएगा। एम जी ने एम जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा और प्लस म्यू यहाँ से कॉस थीटा। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो ये साइन थीटा इधर आएगा तो इधर बचेगा साइन थीटा, और इधर आएगा 3 म्यू कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू, मतलब म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से टेन थीटा अपॉन डिवाइडेड बाई 3। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। तो अपना ए ऑप्शन सही मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।